नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 27 जनवरी बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की खास खबरें। कृषि कानून के खिलाफ पिछले 2 महीनों से आंदोलन कर रहे किसानों ने 26 जनवरी को दिल्ली की सीमाओं के आसपास ट्रैक्टर रैली निकाली। इस दौरान कई जगहों पर पुलिस और किसानों के बीच भिड़ंत हुई। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले छोड़े गए। पुलिस को चकमा देते हुए किसान लाल किले तक पहुंच गए और वहां राष्ट्र ध्वज के बराबर कोई अन्य ध्वज फहरा दिया। वहीं ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा पर दिल्ली पुलिस ने बयान जारी किया है। पुलिस की ओर से कहा गया है कि ट्रैक्टर रैली के लिए दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ तय हुए शर्तों के अनुसार काम किया और आवश्यक बंदोबस्त किया। दिल्ली पुलिस ने अंत तक काफी संयम का परिचय दिया, परंतु आंदोलनकारियों ने तय शर्तों की अवहेलना की और तय समय से पहले ही अपना मार्च शुरू कर दिया और आंदोलनकारियों ने हिंसा व तोड़फोड़ का मार्ग चुना, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयम के साथ जरूरी कदम उठाए। इस दौरान से जन संपत्ति को काफी नुकसान हुआ है और दिल्ली में ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा में 18 पुलिस कर्मी घायल हो गए हैं। उन्हें LNJP हॉस्पिटल में भर्ती करवाया है। घायल पुलिस कर्मियों में से एक की हालत नाजुक बताई जा रही है। किसान आंदोलन के दौरान हुई हिंसा पर गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बुलाई गई बैठक 2 घंटे तक चली। बैठक में तत्काल प्रभाव से उन संवेदनशील जगहों पर सुरक्षा बलों की तैनाती के निर्देश दिए गए हैं जहां पर हिंसा हुई है। यह जगह नांगलोई, ITO और गाजीपुर है। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि कानून व्यवस्था दिल्ली में कायम करना प्राथमिकता है। राष्ट्रीय राजधानी के वर्तमान हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्स की 15 कंपनियां तैनात होंगी। इसमें से 10 कंपनियां CRPF की ओर से और 5 अन्य कंपनियां पैरामिलिट्री फोर्स की होंगी। सरकार ने दिल्ली में पैरामिलिट्री के 1500 जवानों को तैनात करने का फैसला लिया है। वहीं दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सभी जवानों को उपद्रवियों का पूरी शक्ति के साथ मुकाबला करने का आदेश दिया है। नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर धरने पर बैठे किसानों के द्वारा दिल्ली की ओर से आने वाली सड़क को खाली करवा लिया गया है। संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से बयान जारी किया गया है कि हमारे सभी प्रयासों के बावजूद कुछ व्यक्तियों ने मार्ग का उल्लंघन किया और निंदनीय कृत्यों से लिप्त रहे। असामाजिक तत्वों ने घुसपैठ की, लेकिन आंदोलन शांतिपूर्ण रहा। हमने हमेशा कहा कि शांति हमारी ताकत है और हिंसा ऐसे आंदोलन को नुकसान पहुंचाती है। संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि हम उन घटनाओं की भी निंदा करते हैं जो हुई हैं और ऐसे कार्यों में लिप्त होने वाले लोगों से खुद को अलग कर लेते हैं। यह कहते हुए किसान नेताओं ने हिंसा से अपना पल्ला झाड़ लिया। ITO से सभी प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की सीमाओं पर लौट गए हैं। वहीं ITO पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। उधर हरियाणा में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के DGP ने सख्ती दिखाई है। उन्होंने कहा कि उपद्रवियों और दंगाइयों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं दिल्ली में गणतंत्र दिवस पर किसानों ने ट्रैक्टर परेड के दौरान हुई हिंसा के बाद भारतीय रेलवे ने अहम फैसला लिया है। रेलवे ने उन सभी लोगों के टिकट का पूरा पैसा वापस करने का निर्णय लिया है जिन्हें दिल्ली से ट्रेन पकड़ना था लेकिन वो समय पर स्टेशन नहीं पहुंच पाए। रेलवे की ओर से यात्रियों से अपील की गई है कि जिनकी भी ट्रेन आज रात 9 बजे तक दिल्ली से थी वो रिफंड के लिए अप्लाई कर दें। भरतपुर जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के बरखेड़ा गांव के पास एक सड़क हादसा हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बताया कि गोपालगढ़ में कार और बाइक में भिड़ंत हो गई। हादसे में 2 बच्चों सहित 3 की मौत हो गई जबकि 1 महिला सहित 2 लोग घायल हो गए। पुलिस ने मृतकों के शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है जबकि घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस हादसा होने के कारणों की जाँच कर रही है। जोधपुर जिले के खांडा फलसा थाना क्षेत्र के जयनारायण व्यास कॉलोनी में एक बंद मकान में हुई करीब 65 लाख रुपए की चोरी के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि चोरों से चोरी किया हुआ माल भी बरामद कर लिया। पुलिस ने क्षेत्र में लगे CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश की। बता दें कि चोरों ने 115 तोले सोने के जेवर और 3 किलो चांदी सहित 3 लाख की नकदी पर हाथ साफ किया था। उदयपुर जिले के गोगुंदा थाना क्षेत्र के खुखरिया नाल के पास पर्यटकों की कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार में सवार एक डॉक्टर सहित 4 लोग गंभीर घायल हो गए। सूचना पर पहुंची बेकरिया थाना पुलिस ने सभी घायलों को उदयपुर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। पुलिस ने बताया कि हादसा उदयपुर से माउंट आबू जाते समय हुआ।
जयपुर की बगरू थाना पुलिस ने एक नकली नोट छापने वाले युवक रूपचंद को गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से 5,80,000 की नकली नोट बरामद किए गए हैं। यह सभी 100 और 200 रुपए के नोट हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक युवक पिछले कुछ वक्त से अपने घर में ही डिजिटल प्रिंटर से नकली नोट छाप रहा था। उसके घर से प्रिंटर और प्लेन पेपर भी बरामद किया गया है। आरोपी मूल रूप से भरतपुर का रहने वाला है और ई मित्र का काम करता था। ई मित्र का काम नहीं चलने पर उसने नकली नोट छापना शुरू किया। अजमेर जिले के किशनगढ़ के गांधीनगर थाना क्षेत्र में ट्रेन की चपेट में आने से वृद्धा की दर्दनाक मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि हादसा रेलवे लाइन पार करते समय हुआ। मृतका की पहचान सावत्सर निवासी भूरी देवी के रूप में हुई है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। उदयपुर जिले के सूरजपोल थाना क्षेत्र में बस स्टैंड के पास एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने बताया कि प्रथम दृष्टया महिला की हत्या किए जाने की आशंका है। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। महिला की पहचान तारा के रूप में हुई है। महिला कुछ महीनों से प्रेमी के साथ रह रही थी। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर एक शिक्षक से 53 लाख रुपए की ठगी के मामले का बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने वारदात के मास्टरमाइंड दो शातिर हाईटेक बदमाशों को गिरफ्तार कर 3,40,000 रुपए नकदी तथा 6 लाख रुपए बैंकों के माध्यम से रिकवर करने में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने बताया कि शिक्षक लक्ष्मी नारायण ने धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। पुलिस ने मामले में मोहम्मद रौनक और आजम खान को गिरफ्तार किया है। दिल्ली में किसान आंदोलन में एक युवा किसान नवनीत सिंह की मौत होने का समाचार मिला है। आंदोलनकारी युवा किसान के श्री गंगानगर से संबंध बताए जा रहे हैं। मौत की सूचना पर श्री गंगानगर के नज़दीक एक गांव और उत्तराखंड से परिवार के लोग दिल्ली पहुंच गए। मृतक किसान की शादी एक वर्ष पूर्व ही हुई थी और विदेश से कुछ दिन पहले ही अपने गाँव श्री गंगानगर आया था। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए।